का छाया देना। गुरुजी अब रोजाना ही पशुओं को जंगल जुहू ले जाते। एक दिन वैसाख के महीने में दोपहर के समय पशुओं को छांव के नीचे बिठाकर गुरुजी लेट गए। सूरज के ढलने के साथ वृक्ष की छाया भी ढलने लगी। आपके मुख पर सूरज की धूप देखकर एक सफेद सांप अपने फन के साथ छाया करके बैठ गया। उस समय राय बुलार अपने साथियों के संग शिकार खेलकर वापस अपने घर को जा रहा था। राय बुलार ऐसे कौतक को देखकर दंग रह गया और गुरुजी को नमस्कार करते हुए मन ही मन गुरुजी की महिमा गाते हुए अपने घर की ओर रवाना हो गया।